हेलो एवरीवन, इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान के जो कृषि जलवायवीय खंड हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर सामान्य जानकारी की मैं बात करूं तो राजस्थान के कृषि जलवायवीय खंड को 10 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? 10 भागों। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले जलवायवीय खंड की। तो सबसे पहला जो जलवायवीय खंड है उसका नाम है फर्स्ट ए। इसको बोला जाता है फर्स्ट ए। अगर इसके नाम की बात करूं तो इसका नाम है शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र। क्या नाम है इसका? शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र इसका नाम है। अब देखो इसकी विशेषताएं क्या क्या है, कौन से एरिया को बोला जाता है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, जो शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र है उसके अंदर कौन कौन से आते हैं? उसके अंदर आता है बाड़मेर और जोधपुर। उसके अंदर क्या आता है? बाड़मेर और जोधपुर। अब देखो हमें रटना नहीं है, हमें समझना है। देखिए कि बाड़मेर और जोधपुर क्या है कि ये मैदानी क्षेत्र है। कौन से क्षेत्र हैं? मैदानी क्षेत्र हैं, और मैदानी क्षेत्र में भी शुष्क क्षेत्र हैं। इसीलिए इस जलवायवीय खंड का नाम क्या रखा गया है? शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी नाम क्यों आया? क्योंकि ये राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में है। राजस्थान के कौन से हिस्से में है? पश्चिमी हिस्से में। अब इसको आपको ध्यान से वापस समझना है। देखिए, ये राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में है इसलिए इसको पश्चिमी बोलेंगे। फिर ये मैदानी क्षेत्र है क्योंकि ये अरावली जो पहाड़ी है या अरावली पर्वत जो श्रृंखला है उसके इधर वाला जो हिस्सा है ये सारा मैदानी क्षेत्र कहलाता है। इसलिए जितने भी हम जलवायवीय खंड के नाम पढ़ेंगे उन सब में मैदानी क्षेत्र लगेगा या पश्चिमी क्षेत्र लगेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ए जो हमारा जलवायवीय खंड है उस जलवायवीय खंड का नाम है शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र। अब शुष्क क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर बरसात बहुत कम होती है इसलिए इसको शुष्क क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ए का अगर नाम पूछेगा कि फर्स्ट ए का नाम क्या है तो फर्स्ट ए का नाम है शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र। फिर वो पूछेगा आपसे कि इन शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, तो राजस्थान के इसमें बाड़मेर और जोधपुर जिले आते हैं। कौन से जिले आते हैं? राजस्थान के बाड़मेर और जोधपुर जिले इसके अंदर आते हैं। अब देखो क्षेत्रफल की बात करें तो फर्स्ट सी का जो क्षेत्रफल है यानी कि फर्स्ट ए जो जलवायवीय खंड है उसके क्षेत्रफल की अगर बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 47 लाख हेक्टर। कितना है? 47 लाख हेक्टर इसका क्षेत्रफल है। फिर वर्षा की बात करें तो यहाँ पर वर्षा कितनी होती है? यहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है, 200 से 370 mm, यानी कि 200 से 370 mm वर्षा होती है। फिर मृदा की बात करें तो मृदा कौन सी है? मरुस्थलीय मृदा जो है वो कौन सी है? मरुस्थलीय रेतीली मृदा है। कौन सी मृदा है? मरुस्थलीय रेतीली मृदा है। फिर बात करते हैं फसल की, तो फसल कौन सी उगाई जाती है यहाँ पर सबसे ज़्यादा? यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा फसल उगाई जाती है वो उगाई जाती है बाजरा और दालें और तिल, जिसमें सबसे ज़्यादा इनमें भी अगर मैं बात करूँ तो बाजरा उगाया जाता है। अब बाजरा यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्यों उगाया जाता है? जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये शुष्क क्षेत्र है। शुष्क क्षेत्र का मतलब बरसात कम होती है और जो बाजरा की फसल होती है हमारी उसको कम पानी की आवश्यकता होती है। इसीलिए राजस्थान के शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र में बाजरे की फसल को, या बाड़मेर या जोधपुर दोनों की अगर बात करें तो यहाँ पर बाजरे की फसल को सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। क्लियर है दोस्तों? तो ये जो फर्स्ट ए हमारा जलवायवीय खंड था जिसका नाम था शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र, इसके अंदर हमने देखा कि कौन कौन से जिले आते हैं, कितना इसका क्षेत्रफल है, कितनी इसमें बरसात होती है, कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है और फसल कौन कौन सी उगाई जाती है। तो वो आपसे अगर प्रश्न पूछेगा तो वो आपसे ऐसे पूछेगा कि राजस्थान के फर्स्ट ए जलवायवीय खंड में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है, तो कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? बाजरा और दालें उगाई जाती है। ठीक है, तिल भी इसके अंदर उगाई जाती है। ठीक है, फिर वो ये भी पूछ सकता है कि राजस्थान के शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा कितनी होती है, तो कितनी वर्षा होती है? 200 से 370 mm। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? अब बात करते हैं हम हमारे आगे वाले जलवायवीय खंड के बारे में। तो नेक्स्ट हमारा जो जलवायवीय खंड है वो जलवायवीय खंड है दूसरा, जिसको बोलते हैं फर्स्ट बी। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट बी इसको बोला गया है। ठीक है, अब फर्स्ट बी का नाम क्या है? फर्स्ट बी का नाम है सिंचित मैदानी उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। अब इसको ध्यान से समझना है, जितने भी जलवायवीय खंड हैं उन सब का जो नाम रखा गया है वो उनकी स्थिति के आधार पर ही रखा गया है। अब स्थिति को अगर देखें तो देखिए, उत्तरी यानी कि राजस्थान के जो मैप में जो ऊपर वाले जिले हैं वो कौन से जिले हैं? उत्तरी जिले हैं। कौन से जिले हैं? उत्तरी जिले हैं। ठीक है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र भी इसको बोला जाता है। फिर बात करते हैं मैदानी, यानी कि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और ये जो जैसलमेर आसपास के ये जो इलाके हैं ये सारे कौन से इलाके हैं? मैदानी इलाके हैं। लेकिन यहाँ पर अपना नाम आ रहा है सिंचित। अब सिंचित नाम क्यों आया? सिंचित नाम इसलिए आया क्योंकि इन क्षेत्रों में क्या होता है, इन क्षेत्रों में
सबसे ज़्यादा नहरी क्षेत्र है ये, नहरी क्षेत्र है तो यहाँ पर क्या होता है, नहरी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है, इसीलिए यहाँ पर इस जलवायु खंड का नाम क्या दिया गया है, इस जलवायु खंड का नाम दिया गया है सिंचित मैदानी उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। क्या दिया गया है, सिंचित मैदानी उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, यानी कि यहाँ पर सिंचाई होती है इसलिए इसको सिंचित क्षेत्र नाम दिया गया है। कौन सा जलवायु खंड है, फर्स्ट बी, ठीक है। अब देखो इसमें क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल क्या है, इसका क्षेत्रफल है 21 लाख हेक्टर, कितना है 21 लाख हेक्टर इसका क्षेत्रफल या इसका एरिया है। वर्षा की बात करें तो वर्षा कितनी होती है, यहाँ पर वर्षा होती है 100 से 370 mm, यानी कि वर्षा तो यहाँ पर कम ही होती है, लेकिन यहाँ पर सिंचाई किस कारण होती है, नहरें अधिक होने के कारण यहाँ पर सिंचाई बहुत ज़्यादा होती है। फिर बात करते हैं मृदा की, तो मृदा कौन सी पाई जाती है, मृदा पाई जाती है यहाँ पर दोमट चिकनी और चूनायुक्त, कौन सी पाई जाती है, दोमट चिकनी और चूनायुक्त मृदाएं पाई जाती हैं। और फसलों की बात करें तो कौन कौन सी फसलें होती हैं, कपास, फिर उसके बाद में ग्वार, फिर उसके बाद में सरसों और फिर उसके बाद में गन्ना, ठीक है। तो आपसे पूछेगा वो कि फर्स्ट बी में कौन कौन सी मुख्य फसलें होती हैं, तो फर्स्ट बी में होने वाली फसलें हैं कपास, ग्वार, सरसों और गन्ना, ये फसलें यहाँ पर मुख्य रूप से होती है। अगर आप इनके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि भविष्य में आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। और हमारे यहाँ पर सुपरवाइजर का स्पेशल ऑनलाइन बैच चल रहा है, उसमें रोजाना शाम को 6:30 बजे लाइव GK की क्लास होती है, तो वो क्लास भी आप अटेंड कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट जलवायु खंड की, तो अगला जलवायु खंड है थर्ड वाला, इसको बोलते हैं फर्स्ट सी, क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट सी बोला जाता है। अब देखिए इसका नाम क्या है, अति शुष्क लघु सिंचित पश्चिमी क्षेत्र। अब देखिए अति शुष्क मतलब बहुत ज्यादा सूखा है, फिर उसके बाद में क्या है, लघु सिंचित मतलब थोड़ी बहुत सिंचाई होती है यहाँ पर। और राजस्थान के किस हिस्से में आता है, राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में आता है, किस हिस्से में आता है, पश्चिमी हिस्से में आता है, और इसका नाम है फर्स्ट सी, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से जिले हैं इसमें आता है, जैसलमेर, फिर बीकानेर और चूरू का कुछ हिस्सा, ध्यान रखना चूरू पूरा नहीं है, चूरू का कुछ हिस्सा आता है इसके अंदर, ठीक है। अगर इनमें मैंने इनकी शॉर्ट ट्रिक्स भी बना रखी है, अगर ये शॉर्ट ट्रिक्स आप अगर याद रखना चाहो तो रख सकते हो। JCB से मतलब क्या है, J से मतलब जैसलमेर, C से मतलब आपका चूरू, और B से आपका क्या हो जाएगा, बीकानेर। वैसे जैसे जयपुर भी हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पश्चिमी क्षेत्र में क्या आ रहा है, पश्चिमी क्षेत्र में जैसलमेर आ रहा है, दैट मीन्स जैसलमेर ही इसका J से क्या होगा, जैसलमेर ही होगा। अब देखिए फर्स्ट सी जो है ये क्या है, इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें क्या है, क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 77 लाख हेक्टर, कितना क्षेत्रफल है, 77 लाख हेक्टर इसका क्षेत्रफल है। वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायवीय खंड कौन सा है, तो राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायवीय खंड कौन सा है, सबसे बड़ा कृषि जलवायवीय खंड है फर्स्ट सी, क्या है, फर्स्ट सी है, और इसका एरिया कितना है, इसका एरिया है 77 लाख हेक्टर, सबसे बड़ा जलवायु खंड है। या आपसे पूछ ले कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस जलवायु खंड में आता है, तो अति शुष्क लघु सिंचित पश्चिमी क्षेत्र, किस में आता है, अति शुष्क लघु सिंचित पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। फिर बात करते हैं वर्षा कितनी होती है, तो यहाँ पर वर्षा होती है 100 से 350 mm, कितनी वर्षा होती है, 100 से 350 mm। और मृदा की बात करें तो मृदा कौन सी होती है, मरुस्थली या रेतीली, मरुस्थलीय रेतीली मृदा यहाँ पर पाई जाती है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं फसलों की, तो फसलें कौन सी होती हैं, बाजरा, मोठ, ग्वार, सरसों और चना। मैंने पहले ही बताया था आपको राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र जितने भी होंगे, मैदानी पश्चिमी क्षेत्र जितने भी होंगे, वहां पर क्या है, बाजरा सबसे ज़्यादा होगा, क्या होगा, बाजरा सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि बाजरे की फसल जो होती है उसको कम पानी की आवश्यकता होती है, इसीलिए वो जल्दी से उसको सर्वाइव उस कंडीशन को या उस वातावरण में वो जल्दी से उग जाती है और उस प्रतिकूल वातावरण को वो सहन कर सकती है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पर मोठ, तो जो आपकी भुजिया वाले जो आप नमकीन खाते हो या जो भुजिया खाते हो, वो भुजिया किसकी बनती है, मोठ की बनती है। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो बीकानेर में नमकीन का काम ज़्यादा है, क्या है, नमकीन सबसे ज़्यादा बनाई जाती है, तो वो नमकीन किससे बनाई जाती है, वो नमकीन बनाई जाती है मोठ से, और मोठ से बनाई जाती है बीकानेर की भुजिया जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, ठीक है। तो अपने बात की फर्स्ट सी की, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारा चौथा जलवायु खंड है
उसका नाम है सेकंड ए। क्या है इसका नाम? है सेकंड ए। अभी सेकंड ए के दूसरा, सेकंड ए जो है इसका दूसरा नाम क्या है? अंतःस्थलीय जलोत्सरण अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। क्या है? अंतःस्थलीय जलोत्सरण अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र, ठीक है, इसका दूसरा नाम है फर्स्ट ए। क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूँ तो क्षेत्रफल क्या है? 37 लाख हेक्टर। कितना है? 37 लाख हेक्टर इसका क्षेत्रफल है। और इसकी वर्षा की अगर मैं बात करूँ तो वर्षा कितना है? वर्षा जो है इसकी वो होती है 300 से 500 mm। वर्षा कितनी होती है? 300 से 500 mm इसके अंतर्गत वर्षा होती है, ठीक है। फिर मिट्टी की बात करूँ तो मिट्टी कितनी होती है? मिट्टी है इसके अंतर्गत बलुई दोमट। कौन सी मिट्टी है? बलुई दोमट मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। फिर फसलों की मैं बात करूँ तो बाजरा, ग्वार, सरसों और चना। फसलें कौन सी होगी इसमें? बाजरा ग्वार सरसों और चना। देखो ये जो क्षेत्रफल दिया गया है आपको यहाँ पर, ये सारा का सारा जितना भी क्षेत्रफल है ये सब हेक्टेयर के अंदर है दोस्तों, ध्यान रखना। वहाँ पर आपको वर्ग किलोमीटर या वर्ग मील नहीं करना है। जितना भी मैं एरिया बता रहा हूँ आपको जलवायवीय खंड का, ये सब हेक्टेयर के अंदर है। किसके अंदर है? हेक्टेयर के अंतर्गत है, ठीक है। तो हेक्टेयर में कितना है? 37 लाख हेक्टेयर। और वर्षा कितनी होती है? 300 से 500 mm। मृदा कौन सी पाई जाती है? बलुई मृदा पाई जाती है। और फसलें क्या हैं? फसलें हैं बाजरा, ग्वार, सरसों और चना। अब देखो इसके अंतर्गत जिले कौन कौन से आते हैं। देखो अभी मैंने एक जलवायु खंड बताया था आपको, उस जलवायु खंड में मैंने आपको बताया था कि ये जो थर्ड वाला हिस्सा था आपका, फर्स्ट सी वाला जो जलवायु खंड था उसके अंतर्गत क्या था? चुरू का कुछ हिस्सा आ रहा था, और बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है वो किस में आ रहा है? सेकंड ए में आ रहा है। किस में आ रहा है? सेकंड ए में आ रहा है। अब सेकंड ए में क्या क्या आता है? झुंझुनू आता है, सीकर आता है, नागौर आता है, और चुरू का कुछ भाग आता है। क्या क्या आता है? झुंझुनू, सीकर, नागौर और चुरू का कुछ भाग। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको और भी वीडियोस या क्लासेस चाहिए तो भी कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। कमेंट आपको लाइव चैट बॉक्स में नहीं देना है, कमेंट आपको कमेंट बॉक्स में देना है और बताना है कि ये क्लास कैसी लगी आपको। और इसी के साथ आपको ये भी बताना है कि आपको आगे और भी इस प्रकार के रिलेटेड वीडियोस चाहिए या क्लासेस चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। और शेयर तो करना ही है आपको, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक करोगे तभी जाके मैं अगली क्लास ले पाऊँगा, क्लियर है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट जलवायवीय खंड की। जो नेक्स्ट जलवायवीय खंड है वो है सेकंड बी। क्या है? सेकंड बी। नेक्स्ट जलवायवीय खंड है सेकंड बी, और इसको क्या बोला जाता है? लूणी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। क्या बोला जाता है? लूणी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र, यानी कि इस एरिया में क्या बहती है? इस एरिया में लूणी नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? लूणी नदी बहती है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? लूणी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र, ठीक है। अब इसके एरिया की अगर बात करें तो क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 30 लाख हेक्टर। क्या है? 30 लाख हेक्टर है। और वर्षा होती है 300 से 500 mm। कितनी वर्षा होती है? 300 से 500 mm वर्षा होती है। और मृदा की अगर बात करें तो लाल रेतीली कच्छारी। कौन सी मृदा पाई जाती है? लाल रेतीली कच्छारी मृदा पाई जाती है। और फसलें कौन कौन सी उगाई जाती हैं? बाजरा ग्वार और तिल। क्या उगाई जाती है? बाजरा, ग्वार और तिल उगाई जाती है। अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा तिल कहाँ पर होता है तो देखो तिल में भी दो शब्द हैं और पाली के अंदर भी दो शब्द हैं। पाली में भी पीछे ले आ रहा है, तिल में भी पीछे ले आ रहा है, तो इस प्रकार से आप को रिलेट करके याद कर सकते हो। ये एक छोटी सी ट्रिक है, तिल में भी दो शब्द हैं, पाली में भी दो शब्द हैं, तिल में भी पीछे ले है, पाली में भी पीछे ले है, इसका मतलब सबसे ज़्यादा तिल कहाँ पर होते हैं? पाली में होते हैं, ठीक है। अब बात करूँ कि सेकंड बी जो है या लूणी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र है, इसमें कौन कौन से जिले आते हैं। तो जिले की बात करूँ तो जोधपुर, फिर पाली, फिर झालोर और सिरोही। देखिए जोधपुर, फिर पाली, फिर झालोर, फिर सिरोही, ये जिले इसके अंतर्गत आते हैं। यानी आपसे पूछेगा कि पाली किस जलवायवीय खंड में आता है, तो पाली किस जलवायवीय खंड में आता है? सेकंड बी के अंतर्गत आता है। यहाँ से एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि काजरी किस कृषि शस्य जलवायवीय खंड में आता है। तो काजरी कहाँ पर है दोस्तों? काजरी है जोधपुर के अंतर्गत। काजरी कहाँ पर है? काजरी जोधपुर में है। तो जोधपुर कहाँ पर, किस जलवायवीय खंड में आता है? जोधपुर आता है सेकंड बी में, या इसको बोला जाता है लूणी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। तो आपका आंसर हो जाएगा
कि जो जोधपुर है या काजरी है वो सेकंड बी में आता है, या इसको लूणी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र भी बोला जाता है। क्लियर है? अब देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ, रोजाना शाम को 6:30 बजे लाइव क्लास लगती है जीके की। जो स्टूडेंट एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं वो रोजाना शाम को 6:30 बजे हमारी लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं जीके की, और एक दो दिन बाद में आपकी एग्रीकल्चर की भी लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन आप लोगों को बस इतना ही करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, और इसको चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इस वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच जाए। अगर ये वीडियो 1000 व्यूज़ क्रॉस करती है 2 दिन के अंदर तो आपको इसका नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब आज हमने जो जलवायवीय खंड पढ़े हैं वो 5 जलवायवीय खंड पढ़े हैं। अगर इस वीडियो उस पर ज़्यादा व्यूज आएंगे और आपके अच्छे अच्छे कमेंट आएंगे तो मैं इसका एक अच्छे तरीके से सेकंड पार्ट लेके आऊँगा और बिल्कुल ट्रिक से आपको समझाऊँगा, क्योंकि ये जो जलवायवीय खंड है ये जेट और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर दोनों में ही इम्पोर्टेंट है, दोनों में ही यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, और साथ ही साथ इसको शेयर जरूर करना, फेसबुक पे स्टेटस लगाना या फेसबुक पे व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, और कमेंट करके ज़रूर बताना है आपको कि ये क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे अपन। इसका सेकेंड पार्ट मैं कल लाऊँगा, तब लाऊँगा जब इस पर व्यूज़ ज़्यादा आएंगे। ठीक है, तो आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।